हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइंस। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बजीज की ब्रीडिंग पे। जब वो आ जाएं तो उनको सॉफ्ट फूड देना चाहिए। तो दोस्तों, हम मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बोल दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और दोस्तों, एंड तक देखने का मकसद ये है कि आपको हर बात सही तरह से समझ आए और आपको कोई भी मसला ना हो। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कीजिए ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्ट फूड में चार चीज़ें अहम हैं। एक भुट्टा, गंदम, लाल लोबिया, काले चने। दोस्तों, इनमें से तीन चीज़ें जो हैं आपको 24 घंटे भिगो के रखनी है, यानी कि आज सुबह को आपको भिगो के रखनी है तो वो कल सुबह को आपको इनको देनी है। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें कैसे देनी है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक एक पाव ले लीजिए, एक पाव गंदम ले लीजिए, एक पाव काले चने ले लीजिए और एक पाव लाल लोबिया ले लीजिए। अब दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को भिगो के रखना है। अब कैसे भिगो के रखना है? सपोज़ कीजिए कि आपके 10 पैर हैं तो पैर के हिसाब से आपको एक चम्मच निकालना है, एक टेबल स्पून निकालना है। अब एक टेबल स्पून जो आपने तीनों चीज़ें मिक्स करके रखी हैं वो इनमें से निकाल लें, वो सुबह को भिगो के रख लें और दूसरी सुबह को इनको दें। 1 टेबल स्पून पर पैर के हिसाब से। अब 10 टेबल स्पून आपको निकालने हैं, वो रात को भिगो के रखने हैं और इनको देने हैं। और दोस्तों, दूसरी बात, जब भिगो के रखने हैं तो उनको वाश करना है दो दफ़ा अच्छी तरह, उसके बाद भिगो के रखने हैं। और जब आपको इनको देने हैं उससे पहले, यानी कि पानी निकाल के फिर उनको 2 मरतबा अच्छी तरह से साफ़ पानी में वाश करना है ताकि उनमें कोई भी जरासीम, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे। और दोस्तों, ये जो आप भिगो के रखेंगे तो उसको ढक्कन हल्का सा कवर कर दीजिए, किसी भी चीज़ से, कपड़े से या हल्का सा कवर कर दीजिए, लेकिन उसमें हवा लगनी चाहिए, तो यही बेस्ट है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कीजिए। और ये सॉफ्ट फूड जब बर्ड्स चिक्स पे आ जाएं तो उनको रोज़ाना देने हैं, लेकिन अगर आप पहले से यूज़ नहीं करते तो इसको चिक्स पे आने से एक हफ्ता पहले यूज़ करना शुरू कर दें ताकि आपके बर्ड्स को सॉफ्ट फूड की आदत हो जाए और वो अपने बजीज को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से फीड करवा सकें, अच्छी तरह से उनकी भराई कर सकें। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आपके चिक्स निकलेंगे तो वो जो है ना, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बड़ी साइज़ में होंगे। इंशाल्लाह, आप ये करके देखिए। और भुट्टा जो है, कॉर्न जिसे हम सिक्का भी कहते हैं, ये देख रहे होंगे आप, तो ये जो है दूधिया देना है आपको, यानी कि जो कच्चा होता है, ये रोज़ाना ही देना है। सॉफ्ट फूड दे दें, उसके बाद 2 घंटे बाद आप सिक्का दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर ये रेगुलर ही देने हैं जब तक चिक्स निकल लें, हांडी से बाहर ना आ जाएं। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे अपने व्यूज़, अपना फीडबैक कमेंट में दें। अल्लाह हाफिज़।